फिल्म जगत की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया है। वो बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी। उन्हें बांद्रा स्थित एक अस्पताल में एडमिट कराया गया था। देर रात उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई और शुक्रवार को उनका निधन हो गया। उनका कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया है। वो 71 साल की थी। सरोज खान को गुरु नानक हॉस्पिटल में सांस की तकलीफ के चलते 20 जून को भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती होने से पहले उनका कोविड टेस्ट भी करवाया गया था, जो कि नेगेटिव था। सरोज खान के परिवार से जुड़े एक सूत्र ने दावा किया था कि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर हो रहा था, जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज भी किया जा सकता था। लेकिन अचानक देर रात उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि सरोज खान का अंतिम संस्कार शुक्रवार को मुंबई स्थित मलाड के मालवाणी में होगा। 4 दशक के लंबे करियर में सरोज खान को 2000 से ज़्यादा गानों की कोरियोग्राफी करने का श्रेय हासिल है। सरोज खान को अपनी कोरियोग्राफी की कला के चलते 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका था। संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास में डोला रे डोला गाने की कोरियोग्राफी के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब के यादगार आइटम सॉन्ग 1, 2, 3 और साल 2007 में आई फिल्म जब वे मेट के सॉन्ग ये इश्क के लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया था। सरोज खान ने आखिरी बार करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के तले बनी फिल्म कलंक में तबाह हो गए गाने की कोरियोग्राफी की थी। इस गाने में माधुरी दीक्षित नजर आई थी। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। लेकिन अब सरोज खान हमेशा के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री और इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गई हैं। हम सभी मिलकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। To our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.